जब तुम ये खत पढ़ोगी तो मैं तुम्हारे पास नहीं होऊंगा। अब और हिम्मत नहीं रही सानिया तुम्हारा और फरवा का सामना करने की। फरवा की बढ़ती महरूमियों से खौफ आने लगा। तुम्हें देखकर एहसास होने लगा है कि मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। तुम एक बहुत अच्छी बीवी हो मगर मैं एक अच्छा शौहर नहीं बन पाया। तुमसे किए हुए वादे नहीं निभा पाया। जिंदगी में अगर कभी भी मैंने तुम्हें तकलीफ पहुंचाई हो तो मुझे माफ कर देना। और हाँ, ड्रॉज में एक चेक पड़ा है मेरी इंश्योरेंस का है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो वो पैसे तुम्हारे और फरवा के काम आएंगे। उसे संभाल कर रखना, अब वही तुम्हारी जिंदगी का सहारा है। नहीं हो सकता। हम आप दानिश, तैयार नहीं। अजीब सा बिहेव कर रहे थे। क्या लिखा दानिश? क्या लिखा है दानिश? अजीब बेगी बेगी बातें कर रहे थे वो। मुझे लगता है मुझे प्रिपेयर कर रहे थे कि वो मुझसे दूर जाना चाह रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा अभी, ऐसा अभी कोई बात नहीं। मुझे कल रात ही समझ आया चाहिए था उन्होंने कुछ कर लिया। तुम जाके ढूंढ के लाओ ले जाओ। मैं जाता हूं भाभी। आप ही कुछ नहीं होगा अरमान भाई को। आप ही कुछ नहीं होगा। अमर साहब को लेकर आओ। बैठो। देखो, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है। पूरा नाम क्या है तुम्हारा? हिमाद सैगल। कहां रहते हो? डिफेंस। इतना बड़ा डिफेंस है, पूरे डिफेंस में तुम्हें कहां ढूंढेंगे? कोई पर्टिकुलर एड्रेस है? फेज 6। मैंने सारी चीजें लिख ली हैं। दर्ज हो गया है तुम्हारा केस। अब एक बात ध्यान से सुन रहे, अरबाज को गिरफ्तार करने के लिए मुझे ऊपर से परमिशन लेनी होगी। बहुत हाई प्रोफाइल केस है ये, आसान ना समझे इसको। आपको गवाही के लिए DIG साहब के सामने हमारे साथ चलना होगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आप जहां कहेंगे मैं आपके साथ चलूंगा। जिसके सामने जो बोलना है मैं बोलूंगा। ठीक है दावर, हथकड़ी डालो, साथ लेके चलना है ना। हेलो आंटी, वो हमाद भाई आपके पास आए हैं? नहीं तो यार। क्या हुआ? सब खैर है ना? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? आंटी, हमाद भाई पता नहीं कहाँ चले गए और वो भाभी के लिए खत भी छोड़ के गए। क्या? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा आंटी, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ ढूंढूँ, कहाँ मिलेंगे, किससे पूछूँ? अरबाज के पास देखो, हो सकता है वहाँ गया हो।